उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में भाजपा विधायक की खुलेआम गुंडई देखने को मिली है, जहां आपको बता दें कि जनता का आरोप है कि विधायक अपने चहेतों संग गरीबों की जमीन हड़पना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं जसराना विधानसभा के फरिया थाना के गांव अकबरपुर की, जहां पर प्रातः 7 बजे की घटना है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। महिलाओं संग बच्चों के साथ दर्दनाक पिटाई की गई है। पीड़ितों के मुताबिक दबंगों ने बंदूक और तमंचों से फायर भी किए, वहीं पुलिस ने कोई भी सहयोग नहीं किया है। हमने पहले भी आपको सत्ता में नशे में चूर भाजपा नेताओं की गुंडई दिखाई है, एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं कि जसराना के भाजपा विधायक राम गोपाल और पप्पू लोधी की खुलेआम गुंडई चल रही है, जिसे अपने ही लोगों को जेल भेजकर ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं। बातचीत के दौरान महिलाओं ने बताया कि मुन्ना लाल ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का मनोज बहादुर, राम नरेश, पुष्पेंद्र, गुंडी देवी ने मिलकर घर में अकेली महिलाओं के साथ मारपीट की है। गुंडी देवी ने रुपए देकर दबंगों से मारपीट करवाई है। गुड्डी देवी संग दबंगों को जसराना विधायक राम गोपाल और पप्पू लोधी व पुलिस का संरक्षण है, जिसकी वजह से पुलिस सुबह की घटना को लेकर समय पर ना पहुंचकर देरी की। वही डीएम के हस्तक्षेप के बाद घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर भेजा गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए देवाशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में 2 वर्ष से परेशान दुखी परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। अपने बड़े बेटे राहुल व मित्र जितेंद्र अहिरवार की हत्या पर अभी तक उसे न्याय नहीं मिला है। पीड़ित ने केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से चल रही भाजपा सरकार को कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र भी भेजा, लेकिन अभी तक सरकार न्याय दिलाने में असमर्थ नजर आ रही है। आदरणीय योगी जी एवं माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे इस अनुरोध के साथ अवगत होना चाह रहा हूँ कि इस गरीब भगवती प्रसाद सोनी जनपद महोबा बुंदेलखंड, एक अपने बड़े पुत्र राहुल सोनी एवं उसके दोस्त जितेंद्र अहिरवार, जो जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण सामूहिक 2 हत्याएं हुई, जिसमें नाम दर्ज FIR हो जाने 31/10/2017 में FIR हुई। उस FIR में पुलिस प्रशासन की अहम भूमिका, 10 दिन में FIR लगाई गई, जुल्म खारिज रिपोर्ट न्यायालय को भेजी गई। मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के DGP साहब से, जब पुलिस विभाग के अधिकारी इतने ईमानदार हैं, जिसमें 302 संविधान की सबसे बड़ी धारा अपराध की है, जिसमें 10 दिन में FIR लगाई गई, तो क्या आज माननीय उच्च न्यायालय CGM महोबा के आदेशों अनुसार जो आदेश दिए हैं प्रत्येक साक्षीगणों के बयान दर्ज करते हुए कार्रवाई करें, पुनः विवेचना, जिसमें 30/7/2018 में कोतवाली प्रभारी महोबा को माननीय उच्च न्यायालय CGM के यहाँ से आदेशानुसार आदेश हुआ, आज तक विवेचना लंबित पड़ी हुई है। मैं सरकार से, माननीय DGP साहब से, DIG साहब से, IG से, ADG से, ट्विटर के माध्यम से सभी महान वरिष्ठ अधिकारियों को एवं उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, एवं गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सभी को ट्विटर के माध्यम से और पत्र के माध्यमों से अवगत कराया है, परंतु विवेचना लंबित पड़ी हुई है। तो क्या गरीब जनता, गरीब परिवार इसी प्रकार से घुट घुट के मरता रहे और उसको न्याय न मिले? क्या यही सबका विकास है, सबका साथ है और सबके साथ इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है रहेगा? आपने नकलू विवेक तिवारी हत्याकांड में, आपने गैस एजेंसी मुनीम हत्याकांड में सभी को आर्थिक सहायता दी, तुरंत न्याय दिया और नौकरियां दी। यह गरीब बराबर 2018 फर्स्ट से आज तक कोई न्याय प्राप्त नहीं हुआ,
किसी प्रकार से आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई, जबकि जयकरण जी राष्ट्रीय प्रमुख टीम अध्यक्ष मोदी सपोर्टर एवं चनौली से रामजन्म गुप्ता जी ने भी ट्विटर पर आपको अवगत कराया और उनकी टीमों ने भी आपको अवगत कराया। पर इस गरीब के लिए, इस उत्तर प्रदेश की जनता गरीब के लिए आपके पास शायद ये देखने को मिल रहा कि कोई जगह नहीं है। क्या ये गरीब इसी प्रकार से आपके आश्रित और आपसे मांग करता रहा और फिर भी आप माननीय नहीं सुन रहे हैं? यदि गरीबों को न्याय और आर्थिक सहायता नहीं देनी है और न्याय मांगना अपराध है तो उनको फांसी दी जाए या उनको आत्मदाह की परमिशन दी जाए, जिससे चूंकि उत्तर प्रदेश के देशवासी और अन्य लोग भी देख सकें कि भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब के लिए क्या न्याय है और क्या अन्याय है। मैं आप ही से अवगत होना चाहता हूं, या तो आप ही मुझे पत्र के द्वारा अवगत कराएं। आपको रजिस्ट्री भी भेजी मैंने, माननीय DGP साहब को भी रजिस्ट्री करके भेजा मैंने, परंतु एक महीने होने जा रहे हैं, रजिस्ट्री का भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ 3-3 साल से पुलिस अधिकारी COCT जितेंद्र कुमार दुबे एवं अपर SP बंसराज यादव जी प्रकट हैं, मौजूद हैं, जिनके सर्कल भी चेंज नहीं हुए। जनपद महोबा से SP वरिष्ठ अधीक्षक पुलिस अधिकारी 3-3 बदल चुके हैं, परंतु ये इतने ईमानदार अधिकारी हैं कि इनके सर्कल भी चेंज नहीं किए गए। तो या तो फरियादी भ्रष्ट है या फिर इस प्रकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं। और मैं तो नहीं कहता कि भ्रष्ट हैं, अगले सरकार की नज़र में वो ईमानदार हैं, इसी का कारण है कि वो आज काबिज हैं अपने क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी किसी चीज पर गौर नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को तो वो उनकी नजर को देख ही नहीं रहे हैं। क्या ट्विटर पे लिखने, सोशल मीडिया पे लिखने के लिए यदि नहीं आप देख रहे हैं तो सोशल मीडिया को बंद कराया जाए। जमीनी स्तर पे जो भी योजनाएं नहीं चल रही हैं वो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आपके अधिकारी आपके आदेशों के उल्लंघन कर रहे हैं और गरीब उसमें मारा जा रहा है। मैं आपसे करविद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि या तो गरीबों को न्याय और आर्थिक स्थिति से सहयोग करें जो भूमिहीन मकानहीन है, या फिर अगर न्याय मांगना अपराध है, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता है, यदि उस शांतिपूर्ण आंदोलन में पुलिस प्रशासन की गाली गलौज उस प्रार्थी को देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, शासन की है, भारत सरकार की है, जिसके लिए आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगले उस पर अधिकारी खड़े नहीं उतर रहे हैं। मैं इसी वाणी से आपसे निवेदन कर रहा हूँ और करूँगा कि इन दो परिवारों की फरियाद को सुन लिया जाए तो आपकी महान दया होगी, महान कृपा होगी। यदि नहीं सुन रहे हैं और मैं न्याय मांग रहा हूँ, आर्थिक सहायता मांग रहा हूँ, तो देशद्रोही हूँ, क्योंकि BJP सरकार के विरुद्ध में मैं अपना लाइव वीडियो भेज रहा हूँ ट्विटर पर, तो मुझे फांसी दी जाए या मुझे अन्य प्रकार की सजाएं दी जाए, क्योंकि न्याय मांगना यदि अपराध हो तो। धन्यवाद। जय भारत। TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, महोबा।
कन्नौज हसेरन के बरौली जोगी डेरा में राम सेवक के यहाँ अचानक आग लग गई, जिससे उनको काफी नुकसान हो गया। वहीं 5,000 रुपए जलकर राख हो गए। वहीं पीड़ित का कहना है कि उनकी झोपड़ी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी, जिसका प्रार्थना पत्र हसेरन चौकी पुलिस को दिया गया तथा राम सेवक की पत्नी रामदेवी, पुत्री पूजा आदि लोग उसी झोपड़ी में सो रहे थे। करीब 12:01 का समय था। जैसे ही उन्हें आग की लपटें लगी, उनकी आँख खुली और उन्होंने देखा कि झोपड़ी में आग लग चुकी थी, जिसके चलते पूजा के पिता राम सेवक शारीरिक रूप से बीमार है। वहीं राम सेवक का एक घर फॉलिस का शिकार है। उनके बच्चे बाहर मांगने का काम करते हैं, जिससे उनका गुजारा होता है। वहीं रामदेवी का कहना है कि उनकी लड़की भी है, जिसकी शादी करनी है। उसके लिए कुछ रुपए अनाज रखा था, वह सब जलकर राख हो गया, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माता जी, क्या हुआ? बेटा ये रात में परे हते जी, बेटा परे हते रात में जाने को 12 बजे आग लगा दिया बेटा, उनने आग लगाया। आप लोग सो रहे थे? आप लोग सोते थे जी, हम लोग सोते थे। लल्ला लपट लगी लल्ला, हम तो भात डाड़े बेल जो करके हमने बिटेना हाथ पकड़ के खींच के नी बाहर ले आई खींच के, तब उनने लल्ला बचाए पाओ, तब वह घाय खींच के ले गए, तब और लपट उठन लगी। तो हम इल्ला भाजे कि भैया आग लग गई, कोई नहीं सुना लल्ला। क्या नाम है इनका? राम सेवक। और इनको दिक्कत क्या है? इनके फालिस मार गई लल्ला, आधो धड़ा है। तो बोल नहीं पाते? नहीं बोल पाता है बेटा, नहीं बोल पाता है। आप लोग रहते कहाँ? वो हम पहले हेने रहते है बरौली, बरौली में, बरौली मौजा है। कहाँ रहती हो? बरौली। कैसे क्या हुआ यहाँ पे? जब लोग सोए थे तो 12 बजे आग लग गई। हम पापा पकड़ के हाथ खाच ले जी, तो एकदम आग उड़ गई। आप लोग इसी में सो रहे थे? हाँ, जाए पे सो रहे थे तो हम पापा के हाथ पकड़ के खाच लिया, तो बहुत तेज आग उड़ गई। तो जाए पे हमारे बहन की शादी लान में 5,000 रुपया थी, माल जेवर थे सब भर गए। हमारे पापा कपड़ा लत्ता दवा सब जल गई, सब यही पता था सब जल गया। तो हम लोग जमा बहने की चीज बत्ती थी सब जल गया। माता जी, ये कैसे क्या हुआ है? ये भाई हम परे हते जी, हमारा डोकर खालिश से मारो, हम डोकर परे हते भाई, हम तो जब आज उठन लगी तब गिर हम लोग भाज कहीं नहीं का हाथ पकड़ के हमने खींच लिया, तब हम लोग ये खींच के आया घाय करे, तब बहुत आवाज बहुत आँच पड़न लगी। ये कितने बजे की है घटना? ये 1 बजे के 12 बजे से, 12 और 1 के बीच की है। हाँ। आप लोग सब सो रहे थे? सब सो रहे थे। आपके रहने का बसेरा यही है? यही है। और हमारा जो जलकर राख हुआ है। हाँ। इसमें क्या क्या था आपका? ये मैं भैया कपड़ा लत्ता हते, चावल रहते 1 बोरी, 1 क्विंटल गेहूँ हते, बिटेना केरे कपड़ा लत्ता हते, 5,000 रुपया हते बिटेने की शादी के लिए, वो सब चले गए भैया, सब जल के खाक हो गए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, हसेरन कन्नौज।